वेलकम बैक गाइस माय न्यू ब्लॉग वीडियो। तो आज हम लोग जाने वाले एक ऐसी जगह दिखाने वाले हैं जिसे देखकर आपको स्वाद आ जाने वाला है बिल्कुल। तो ब्लॉग को एंड तक देखना, अभी तक यार लाइक नहीं किया आप लोगों के लिए यार घूमने जा रहे हैं तो लाइक कर देना, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। GPS signal lost. ओ मेरे रांझे बता दे मेरी गड़बड़ी, कर ले मुखबरी ना कर जोरा जोरी। ऐसी प्रीत मेरी है निगोड़ी छुलबुली, करे जो छक जोरी क्यों ना। सूरज की किरणें आने दे मेरे नींद, अब चल जाने दे जो। गाइस तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं हनुमान धाम। तो सामने मेरे हनुमान जी की बहुत विशालकाय मूर्ति है जो कि हम देखने के लिए जा रहे हैं। तो गाइस काफी लगता भटक गए थे इधर उधर, गूगल मैप से इधर उधर भटकते आखिरकार आ ही चुके हैं हनुमान धाम। तो अब सामने थोड़ी जस्ट मिनट रह गई आप लोगों को दिखाने के लिए। तो पहले देखो कितने फूल पाती है, पेड़ कितने बढ़िया बढ़िया लगे हैं, और जो पेंटिंग देख सकते हैं पीछे कितनी बढ़िया बनी हुई है। तो अभी हमारा जेंदर और करण बाइक आगे खड़ी कर दी है, तो अब जा रहे हैं हम लोग। अब दिखाएं मूर्ति, चलो अब दिखा देते हैं। ओ जगे ताने पे ताने दे उनकी सुने ना। देखो सावन आए रे मन हंसाए मितवा, और सारी उम्र ना गवा दे मितवा। क्यों सोचे बादल खरे हैं जबकि वो तो रुके हैं, क्योंकि बारिश तो आनी है ना। तो गाइस जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये सामने रे हनुमान जी की मूर्ति, यहीं पर नीरव कुमार यादव की मूवी की शूटिंग भी हुई थी जो सामने आप लोग कौन देख रहे हैं। यहीं पर गाना की शूटिंग और जो आर्मी मूवी है उसकी शूटिंग वगैरह वगैरह हुई थी। काफ़ी और बड़ी मूर्ति है, लेकिन यार बंद होने के कारण मैं वहाँ पर जा नहीं पाया। लेकिन मैंने सोची रुकेंगे, लेकिन उतना मेरे पास टाइम भी नहीं था कि हाँ रुकें यहाँ पर और मूर्ति के पास जाएँ। देख सकते हैं सीना में राम सीता माँ और राम जी बैठे हुए हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं। मूर्ति तो बहुत ही बड़ी है यार, क्या वीडियो से आप यहाँ लोग हटा भी रहे थे। ये दिहुआ है जो कि इसके बीच बीच में बना हुआ है ये मूर्ति, तो आप लोग देख ही सकते हैं। मेरे रांझना बता देना, बता देना। आरी 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 अब तो आ रही बारात, अब ये आए नाचे गाए देखो राग है मल्हार, ओ नित नित लाके रंग सवारी है जहां। तो गाइस यहाँ पर कुछ दुकानें लगी थी जो कि सामान बिक रहा था, बिकाने जो बच्चों के खिलौने वगैरह सारे कुछ यहाँ पर, क्योंकि बहुत यहाँ मैदान है। आज तो शायद नहीं था, लेकिन मंगलवार को यहाँ बहुत काफ़ी भीड़ हुई होती है। लेकिन गाइस आप कमेंट में ये मत बोलना कि आपने आवाज़ अलग से लगाई, कि आवाज़ अलग से नहीं बल्कि वहाँ पर माइक ने काम ही नहीं किया, इस वजह से ये जो है आवाज़ अलग से लगानी पड़ रही है। अरे बोलो ना, सूरज की किरणें आने दे मेरे मीत, अब चल जाने दे जाने। तो गाइस हम लोगों को यार यहाँ काफी देर हो चुकी थी आने में, इस वजह से यहाँ अभी जाना अलाउ नहीं है। लेकिन आप ये पुल देख रहे हैं, इस पर नीरव कुमार यादव की मूवी की शूटिंग हुई थी इसी पुल का, जो साइड में सीन आपको लगा दूंगा यहाँ की, यानी जो हनुमान धाम की वहाँ शूटिंग हुई थी। और उस साइड आप लोग देखते हैं पार्क है जो इसको उस वक्त अभी इस वक्त जा नहीं सकते यार, तो अभी यहीं घूम रहे हैं। लेकिन माहौल बहुत ही अच्छा, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा गया है, जेंदर और करण के साथ में हैं। लेकिन यार प्रॉपर तो होना था आज यार, होने के चलो चलते हैं हनुमान जी के पास में होंगे और पार्क घूम लेंगे सभी। लेकिन वो तो नहीं हुआ, लेकिन काफ़ी कुछ
दिखाई दे रहा है अंदर में मूर्ति यार इतनी विशाल है जितना आप लोग वीडियो में आप अनुमान नहीं लगा सकते ना कि कितनी बड़ी मूर्ति है लेकिन बहुत ही विशाल काय मूर्ति है और यहीं पर शायद आप लोगों को वो मूवी अभी तक आई नहीं है उसका शायद शहीद मूवी होने वाली है जो कि अभी आई नहीं है आर्मी ना अच्छा वो आर्मी नाम है उस मूवी का लेकिन अभी तक आई नहीं है आ जाएगी तो आप लोग देख लेना हमने भी चलो आप लोगों को मेरे पास में ही पड़ता है तो विजिट करके एक बार जरूर से दिखाएं तो अभी हम लोग यही कुछ सिनेमेटिक सीन आप लोगों को दिखाते हैं अब क्या ही कर सकते हैं मेरे हाथ में तो है नहीं जब भाई खुलवा लें अंदर घुस जाएं लेकिन 4 बजे तक हम रुक भी नहीं सकते यार क्योंकि गाँव भी थोड़ा इतना भी नीचे नहीं है दूर है काफी देखो सावन आए रे मन हसाए मितवा और सारी उम्र ना गवा दे मितवा क्यों सोचे बा तो गाइस आप लोग देख सकते हैं ये फ्रंट यानी बैक साइड है जो मूर्ति की देख सकते हैं पीछे में कॉलोनी भी आप लोगों को दिखाई दे रही होगी जो कि यहाँ जो यहाँ पुजारी लोग रहते हैं वो यहाँ पर रहते होंगे और ये पुल सामने वो जो वो जा रहे हैं पुजारी लेकिन मुझे तो जाना मना कर दिया है कि 4 बजे खुलेगा लेकिन कुछ लोग हैं जो यहाँ के कर्मचारी लोग हैं वो भाई वो पार्क है देख सकते हैं ना उसमें यार नहीं जा सकते क्योंकि काफ़ी टाइम लगेगा 4 बजे खुलेगा तो जा भी तो नहीं सकते लेकिन आप लोगों को फुल कोशिश की हमने सब चीज़ दिखाने की तो अब चलो थंबनेल में क्लिक कर लेते हैं आप लोगों के लिए बादल भरे हैं जबकि वो तो रुके हैं क्योंकि बारिश तो आनी है ना मेरे रांझना बता देना बता देना यहाँ का माहौल मुझे काफ़ी पसंद आया और यार मैंने पहले भी बता दी माइक ने काम नहीं किया इस वजह से मुझे अलग से आवाज़ लगानी पड़ रही है काफ़ी पैर बने ये आप जूम करके पढ़ सकते हैं और अब यहाँ पर मैंने बहुत सारी मस्ती भी की यार क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा यार जितना मैंने सोचा नहीं था उससे भी 4 गुना मुझे यहाँ अच्छा माहौल मिला और काफ़ी सफाई का भी काफ़ी ध्यान रखा गया है देख सकते हैं आप लोग चारों तरफ साफ सुथरा एकदम क्लीन और कितना अच्छा माहौल है कॉलोनी भी है जहाँ पर आदमी रुकते होंगे जो भाई मेरे लेकिन जो है यार मंदिर नहीं खुला था ये बस इतनी दिक्कत हो गई आप लोगों को यार मैं उस पार्क में नहीं जा पाया और सब बढ़िया था एकदम देख सकते हैं गाइस लेकिन आज कुछ दिन ही खराब था यार इस माइक ने भी साली ने काम नहीं किया इस वजह से मुझे लगानी पड़ी लेकिन यार आप लोग प्यार देना इस वीडियो पर क्योंकि इसे बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत और टाइम लगा पैसा भी खर्च हुआ वहाँ जाने में तो प्यार तो बनता है तो सब लोग लाइक करके कर देना अभी तक नहीं किया तो आई होप गाइस ये वीडियो आप लोग बहुत अच्छी लगी होगी हमने भी काफ़ी मेहनत की यहाँ आए बड़ी दूर काफ़ी रास्ता घूम चुके थे लेकिन जो कि बंद था लेकिन 4 बजे खुलेगा ताकि हम अंदर नहीं जा सके फिर भी हमने आपको बहुत कुछ दिखाया तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना और चैनल पर नए सब्सक्राइब कर देना तो जय हिंद जय भारत।